Most respected guest of honor of today's Nyokum Yolo celebration, my former boss and presently the advisor to Honorable Chief Minister Bade Bhai Sri Tai Tagakji, most respected special guest, Madam Dr. Jodam Anya Tanya Ji, Hamare Nyokum Yolo celebration Nyapin ke Chairman Sri Gyamar Kuba Ji, उनके साथ उनके इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी श्री तादर चाचुंग जी तथा उनके साथ उनके बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबरगंस और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं न्योकुम युलो के इस पावन अवसर पर हमारे बीच दूर दराज के गांवों से आए हुए आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि न्योकुम आने युलो आबो आप सभी की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए। आपका जो ये फसल है वो आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाए और हमारे अरुणाचल के जितने भी ट्राइब्स हैं उनके बीच जो भाईचारे की भावना है उसमें और मजबूती लाए। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा हमारे इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के समस्त टीम को और मेरे बड़े भाई अजी बामंग फिलिक्स जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे आने का न्योता दिया और उसी कारणवश मैं अपनी जिंदगी में पहली बार आपके इस पावन धरती में आया हूँ। क्रादादी कुरुमकुमे मैं बहुत पहले से इसके बारे में सुना करता था, लेकिन आज इस न्योकुम के पावन अवसर पर आपके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और बामंग फिलिक्स जी के इनविटेशन के कारण मुझे यहाँ आने का नसीब हुआ। अभी कुछ देर पहले हमारे जो स्पेशल गेस्ट है, बहुत ही लर्नेड एक लेडी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज की, उन्होंने अपने निशी समाज के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से और कम शब्दों में वर्णन किया था। जब मैं उनके मुंह से आपके निशी समाज के बारे में सुन रहा था तो मुझे अपने मिसमी समाज का याद आ गया। शायद आप में से बहुत लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे, बहुत लोग मेरे बारे में जानते भी नहीं होंगे और सोच रहे होंगे ये कौन सा मिनिस्टर है, इसके बारे में ना तो कभी सुना है ना कभी इसको देखा है। तो दो शब्द में मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम तो आप लोगों को मालूम है, डॉक्टर मोहेश चाय है, लेकिन डॉक्टर मैडम और मेरे डॉक्टर होने में फर्क ये है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था। मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में यानी कि सांस के डॉक्टर का रूप में मैंने स्पेशलिस्ट कोर्स किया है और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने 1997 में ज्वाइन किया और 2013 में 16.5 साल काम करने के बाद मैंने अपना इस्तीफा दिया। 2014 में पहली बार मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया भारतीय जनता पार्टी के टिकट से और तेजू के हमारे जितने बसिंदे हैं वहाँ के लोग हैं उनके आशीर्वाद के कारण मैं अपने इलाके का एक विधायक बन सका और उसके बाद आप सभी के आशीर्वाद से आज अरुणाचल प्रदेश में एक मंत्री के रूप में मैंने अपना स्थान पाया है। तो जैसे मैंने कहा है कि मैं मिसमी समाज से बिलोंग करता हूँ और जब मैडम अपने बातों से
आपके अपने कम्युनिटी यानी कि निसी समाज के बारे में जब बोल रही थी तो मुझे अपने समाज का याद आ गया। पॉलीगेमी यानी कि एक से ज्यादा शादी करने का प्रथा हमारे ट्राइब में भी है। झूम कल्टीवेशन खेती करने का तरीका वो भी हमारे ट्राइब में भी झूम कल्टीवेशन ही होता है। एक ही लंबा घर में जॉइंट फैमिली का रहना हमारे समाज में भी यही प्रथा चलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई दूसरा कम्युनिटी के जगह पे नहीं बल्कि अपने ही समाज के बीच फिर दोबारा वापस आया हूं। एक और सिमिलैरिटी जो कस्टमरी नहीं हो सकता है, आंकड़े के आधार पे हो सकता है, उसमें भी मुझे थोड़ा सा सिमिलैरिटी आज दिखाई दिया। ये एक आपका जो आज न्योकुम यहां सेलिब्रेट हो रहा है उसका नंबर 44 है, यानी कि इस बार आप लोग 44 न्योकुम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, और मेरा जो कंस्टिट्यूएंसी का नंबर है वो भी 44 तेजू असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के रूप में जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी साल इस न्योकुम में यहाँ आना और आप लोगों के बीच सम्मिलित होके इस फेस्टिवल का मजा लेना, इस फेस्टिवल को एंजॉय करना शायद मेरे भाग्य में लिखा ही हुआ था। इसी कारण आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे हूँ। जहां तक हमारे प्रदेश का बात है, जहां तक अरुणाचल का रीति रिवाज के बारे में बात है, हम सब जानते हैं और मुझे लगता है कि हर मंच से हर नेता बार बार आप लोगों के समक्ष ये बात रखता है कि अरुणाचल में 26 मेजर जनजाति है और 100 से अधिक माइनर जनजाति है। आज जिस तरह से यहाँ पे न्योकुम का त्योहार मनाया जा रहा है, कुछ दिन पहले यानी कि इसी महीने के 15 तारीख को हमारे अपने समाज ने यानी कि मिसमी समाज ने तमिलनाडु फेस्टिवल मनाया था। तमिलनाडु हो, न्योकुम हो, या हमारे गालो समाज का मोपिन हो, या आदि समाज का सोलुंग हो, हर एक फेस्टिवल जो अरुणाचल में मनाया जाता है ये सब एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। और इसी तरह का जो हमारा आइडेंटिटी है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो वेशभूषा है, उसे हम अपने कल्चर के अपने फेस्टिवल के द्वारा लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। जहां तक कल्चर और ट्रेडिशन की हम बात करते हैं, आज जो वेशभूषा आप लोग पहन रहे हैं, जो बोली आप लोग बोल रहे हैं, जो ट्रेडिशन आप लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना है कि ये हमारे पूर्वजों ने यानी कि हमारे दादा परदादाओं ने हमें गिफ्ट के तौर पे दिया है। उनके अपने समय में उन्होंने इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को, इस वेशभूषा को बहुत ही मेंटेन करके रखा, बहुत ही संजो के रखा, और आने वाला अपना जो नया जनरेशन है उसे गिफ्ट के रूप में दिया। आज हम 21वीं सदी में जीते हैं, जमाना बदल रहा है, हमारे यूथ अपने कल्चर से ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं। हमारा जो समाज है मॉडर्निटी की ओर, वेस्टर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया ये जो भेंट है, जिसे हम कल्चर, जिसे हम ट्रेडिशन के रूप में जानते हैं, जिसे हम वेशभूषा के नाम से जानते हैं, इसको बनाए रखना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ना सिर्फ इसे हमें आज जीवित रखना है, हमें इसे जीवित रखने के अलावा ये भी सुनिश्चित करना है कि हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है, हमारा जो आने वाला यूथ है, उनको हम अपने परदादाओं की तरह हम भी अपने आने वाले जेनरेशन को इसे गिफ्ट के रूप में दें। ये एक ऐसा चैलेंज है जो मैं समझता हूँ कि आज के इस युग में पहले के जमाने के मुकाबले ज़्यादा कठिन है, लेकिन कठिन है ऐसा कह के हमें अपने कल्चर और ट्रेडिशन को नहीं भूलना है। ये हमारा आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को हमें
जारी रखना है, इस आइडेंटिटी, इस पहचान को हमें बनाए रखना है। हम धर्म से, चाहे कोई भी धर्म फॉलो करे, चाहे हम क्रिश्चियन हो, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम मुसलमान हो, चाहे हम बुद्धिस्ट हो, लेकिन रिलीजन हमारा आइडेंटिटी नहीं है। क्रिश्चियन पूरे दुनिया भर में मिला जाएगा, हिंदू पूरे देश भर में हिंदू मिला जाएगा, बुद्धिस्ट पूरे दुनिया में आपको बुद्धिस्ट मिलेगा। आप अगर कहीं जाके अपने रिलीजन के बेसिस पे अपना आइडेंटिटी अगर बोलोगे, आपको कोई पूछेगा कि आप क्या हो, और आप अगर बोलोगे कि आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, या आप बुद्धिस्ट हो, तो वो आपको अपने नेटिव प्लेस यानी कि अपना जो जन्म स्थल है उसके साथ जोड़ के नहीं दिखाता है। लेकिन जब आप कहीं पे, जब आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ के हो, आप क्या हो, अगर आप बोलोगे मैं निशी समाज से बिलोंग करता हूँ, तो वो डायरेक्ट आपको अरुणाचल से जोड़ेगा, यानी कि आपने अपना स्टेट से जोड़ेगा। और निशी समाज में भी अगर आप ग्यामर हो, अगर आप तादार हो, तो लोगों को पता चलेगा कि आप न्यापिन के रहने वाले हो। तो ये हमारा आइडेंटिटी है जिसे हमें बनाए रखना है। और कहीं ना कहीं जो एक गलत फहमी हमारे बीच है कि धर्म ही हमारा सब कुछ है, तो उस गलत फहमी से हमें निकलना है। हमें अपना जो कल्चर है, हमारा पहचान है, उस पहचान को बनाए रखने में हम सबको अपना भूमिका निभाना पड़ेगा। और जब हम सब मिलके अपना अपना भूमिका निभाएंगे, तो मुझे पूरी आशा है कि हम अपने जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, उसे कभी भी इस दुनिया से गुम होने नहीं देंगे।